तो सुबह की राम राम में अब वक्त है देवभूमि की खबरों का और बात करते हैं उत्तराखंड में अगले चार दिन मौसम विभाग को ने अलर्ट जारी किया है। हिमालय क्षेत्र में जारी रहेगी बर्फबारी, चार धाम में कम रहेगा तापमान। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही बार बार। 3500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी का पूर्वानुमान घोषित किया गया है। मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के भी आसार हैं। तो मौसम लगातार बदल रहा है, अगले चार दिन भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां चारधाम यात्रा फिलहाल चल रही है, हमारे क्षेत्र में बर्फबारी रह सकती है। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। ऐसे में जो यात्री पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें सावधानी बरतने की अपील बार बार प्रशासन कर रहा है। जो रेन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी पहाड़ों में खासकर वो मिली रही है लगातार ही, और साथ ही कहीं लाइटनिंग है या फिर ओलावृष्टि है हल्की, वो भी कहीं कहीं मिली रही है। लेकिन कल 29 तारीख से आप देखेंगे कि जो रेन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश है और जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है वो आपको 29 से अब लेकर के और करीब 3 तारीख तक ये मिलने वाली है। तो 3 तारीख तक ये मिलने वाली है। अगले यानी 4 दिन तक मौसम को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी हो सकती है। जो चारधाम में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, वो खास तौर से ध्यान रखें, और क्योंकि बर्फबारी हो रही है, ऐसे में बार बार ये प्रशासन भी अपील कर रहा है कि अगर ऊपरी इलाकों में पहुंच रहे हैं तो अपना पूरा इंतजाम करके पहुंचे, गर्म कपड़े लेकर पहुंचे। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रामानुज, लगातार मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है और अगले 4 दिन कुछ ऐसा ही मौसम रहने वाला है, बर्फबारी और कहीं पर बारिश। दीपाली, प्रदेश में चार धाम यात्रा चल रही है और ऐसे में जो देश विदेश के श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, मौसम का कैसा रुख रहता है ये उनके सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने भी चौकसी बरतना शुरू किया है। और आपने देखा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में जिस तरह से पिछले दिनों जमकर बर्फबारी हुई है, उसी के चलते अब जो तापमान है उसमें गिरावट तो आ रही है, लेकिन मौसम का जो मिजाज है आने वाले 4 दिनों में बदला रह सकता है, बर्फबारी हो सकती है। यही वजह है कि सोनप्रयाग के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं पर श्रद्धालुओं को मौसम के मिजाज को देखकर रुकने की सलाह दी गई है, और साथ में जब मौसम साफ होगा तब वो आगे जाकर के यात्रा कर सकते हैं। तो मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में 4 दिनों में फिर से बदल सकता है। और चूंकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है और जब बद्रीनाथ या केदारनाथ श्रद्धालु पहुंचते हैं तो तापमान में अचानक उनको काफी गिरावट देखने को मिलती है, ऐसे में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, यही वजह है कि जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार श्रद्धालुओं को सलाह भी देते हैं, उन्हें हिदायत भी देते हैं कि वो कहाँ पर रुक सकते हैं। तो इसी तरह की यात्रा उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की और बद्रीनाथ केदारनाथ केदारनाथ धाम की चल रही है, और ऐसे में अब अगर मौसम का मिजाज बदलता है तो यात्रियों को सलाह देकर के ही आगे यात्रा जारी। और जो रामानुज जी खबर आ रही थी कि अगर इसी तरीके से बर्फबारी रही तो 1 तारीख तक रोकी जा सकती है यात्रा, कुछ ऐसी भी जानकारी है? बिल्कुल दीपाली, ये बात साफ है कि जिला प्रशासन ने कहा था कि अगर मौसम का मिजाज आके और बिगड़ता है या ज्यादा बर्फबारी होती है तो इससे जो यात्रा है उसको रोकने की बात यही थी कि यात्रियों को सलाह दी गई कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें और अगर मौसम का मिजाज काफी खराब होता है। लेकिन इतना जरूर बता देते हैं साफ तौर से कि जो जिला प्रशासन ने कहा है कि अभी सोनप्रयाग और आसपास के इलाकों में ही यात्रियों के मौसम को देखते हुए जैसे मिजाज बदलता है उनको सलाह दी जाती है कि आगे की यात्रा करें, और आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम का मिजाज देखने को मिलता है उसी के मुताबिक जिला प्रशासन भी अगला कदम उठाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि केदारनाथ धाम और आसपास के जो क्षेत्र है, चाहे गौरी कुंड है, सोनप्रयाग है, पाटा है, सीतापुर, जो आसपास के क्षेत्र है, सुरक्षित स्थान है, यहीं पर यात्रियों को रुकने की सलाह दी जाएगी। बहुत शुक्रिया रामानुज ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।